सो हेलो गाइज़, वेलकम टू माई चैनल प्राइम गेम स्टार। दोस्तों, प्राइम गेम स्टार में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, इस बार जो है मैं आप लोगों के लिए वो रूट लेकर आ चुका हूँ जिसके लिए आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो दोस्तों, इस रूट का नाम है न्यू दिल्ली टू भोपाल जंक्शन वर्जन 1 रूट। तो जी हाँ दोस्तों, जिसको कि मैंने बनाया है वर्जन 1 में न्यू दिल्ली टू हज़रत निज़ामुद्दीन तक। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो शॉर्टेस्ट रूट है, पर इसमें एक्टिविटी और इसकी जो ग्राफिक्स, हाई ग्राफिक्स क्वालिटी में जो है मैंने इसको बनाया है, उसको खेलकर जो है आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो गाइज़, यहाँ पर जो है आप लोगों को मैं ये रूट इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर रूट पसंद आए तो रूट को और डाउनलोड कीजिए, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे ऐसे ही रूट्स विद एक्टिविटी के साथ। तो गाइज, इसमें जो है मैंने एक्टिविटी ऐड किया है एक, जिसमें कि आपको पैरेलल एक्शन देखने को मिलेगा तेजस एक्सप्रेस के साथ। जी हाँ दोस्तों, तेजस एक्सप्रेस के साथ जो है आपको पैरेलल एक्शन देखने को मिलेगा, साथ में आपको हमसफ़र एक्सप्रेस और तेजस एक्सप्रेस का ओवरटेक भी देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसमें ओवरटेक्स ऐड किया है, तो आपको जिससे कि आपको बहुत 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 मज़ा आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो गाइस आप जो है डाउनलोड कर लो इस रूट को, बहुत मज़ा आने वाला है आपको इसमें एक्टिविटी खेल करके। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए और भी एक्टिविटीज़ लेकर आऊँगा इस रूट में आगे, तो आप जो है इसको डाउनलोड कर लो अगर आपको पसंद आए ये रूट। तो गाइज़, यहाँ पर जो है मैं आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताने वाला हूँ इस रूट का। तो गाइज़, पूरा स्टेप्स जो है आप फॉलो करना मेरे, जो कि मैं करने वाला हूँ। तो गाइज़, इसमें सारे ऑब्जेक्ट्स में अलग अलग पासवर्ड्स लगे हुए हैं, तो आप जो है पूरा वीडियो को एंड तक देखना। अगर एंड तक देखोगे तो आपको पूरा का पूरा जो है प्रोसेस समझ में आएगा और आपका इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो गाइज़, यहाँ पर जो है इस रूट को देख सकते हो, मैंने इसका, मेरा न्यू दिल्ली स्टेशन का जो यार्ड है, मैंने 2 यार्ड दिखाया है, जिसमें आपको मैंने पिछले वीडियो में आपको मैंने एक रिव्यू दिया था, साथ में ट्रेंजेड गेम स्टार के चैनल पर भी आपको इस रूट का रिव्यू मिल चुका होगा। तो गाइज़, आप लोगों ने देख लिया होगा रिव्यू। तो गाइज़, यहाँ पर जो है ये मेरा शताब्दी एक्सप्रेस जो है, इसका शंटिंग दिखा रहा हूँ मैं। तो गाइस, ये भी होता है मेरे इस रूट में, तो इसमें आपको नहीं करना है, ये ऑटो रनिंग ट्रेन से, जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में। तो गाइस, मैं आपको इंस्टॉल कैसे करना है उसका प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए आपको जेड आर्चीवर चाहिए होगा, जिसका कि लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो गाइस, जाकर जो है आप डाउनलोड कर लीजिए। तो गाइस, यहाँ पर जो है 5 zip फाइल देख सकते हो, इन सभी के लिंक जो है मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो इनको एक एक करके जो है हम लोग एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग जो है ये 5 फाइल्स को डाउनलोड कर लो मेरे दिए हुए गूगल ड्राइव के लिंक से। तो गाइज़, मैंने डायरेक्ट गूगल ड्राइव का लिंक दे रखा है। तो गाइज़, सबसे पहले जाइए और आप लोग जो है इसके सारे को आप डाउनलोड कीजिए। तो सबसे पहले मैं जो है कोचेस एक्टिविटी को जो है सबसे पहले एक्सट्रैक्शन करूँगा। तो एक्सट्रैक्शन करने के लिए जो है आपको पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड को आप ध्यान से देखना। तो गाइज़, सबसे पहले आपको एक्सट्रैक्ट हियर कर लेना है। एक्सट्रैक्ट हियर के बाद जो है पासवर्ड जो है आप देख लो क्या डालना है पासवर्ड। तो यहाँ पर सिंपली आपको मैं जो टाइप कर रहा हूँ वो देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देखो कोचेस एक्टिविटी, जी हाँ दोस्तों, आपको यही डालना है आपको। तो गाइज़, यहाँ पर देख लो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो गाइज़ इसका, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप ले लिया होगा आपने। तो अब हमको जो है इसको ओके करना है, तो ओके करोगे तो हम लोग का जो है यहाँ पर एक्सट्रैक्टिंग हो रहा है। तो एक्सट्रैक्टिंग होने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो गाइज़, यहाँ पर जो है एक्सट्रैक्शन हो चुका है कोचेस एक्टिविटी का, तो उसके बाद जो है हम लोग करेंगे लोकोमोटिव एक्टिविटी का एक्सट्रैक्शन। तो इसका पासवर्ड जो है अलग है, तो इसका पासवर्ड जो है आप लोग देख लीजिए गाइज़। यहाँ पर जो है मैं एक्सट्रैक्ट हियर करूँगा, तो एक्सट्रैक्ट हियर करने के बाद जो है यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड में आप जो है ये पासवर्ड डाल देना, जो कि है लोकोमोटिव स्पेस एक्टिविटी स्पेस। तो गाइज़, ये पासवर्ड आप ध्यान से देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं बोलूँगा। तो गाइज़, ये करने के बाद ओके कर देना। ओके करके जो है आपका यहाँ पर एक्सट्रैक्शन होने दीजिए। एक्सट्रैक्शन हो जैसे ही जाएगा वैसे ही मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। तो गाइज़, यहाँ पर जो है मेरा लोकोमोटिव एक्टिविटी जो है इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद मैं जो है मेरे रूट का जो एक्चुअल जो रूट है उसको मैं एक्सट्रैक्शन करूँगा। तो गाइज़, उसको सिंपली आपको जो है एक्सट्रैक्ट हियर कर लेना है। तो यहाँ पर नॉर्मली आपको टैप करोगे तो एक्सट्रैक्ट हियर का ऑप्शन जो है आपको मिल जाएगा। तो एक्सट्रैक्ट हियर करोगे तो आपको जो है एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हियर। तो इसमें आपको क्या डालना है आप ध्यान से देख लो गाइस, इसमें अलग पासवर्ड है। तो यहाँ पर आपको डाल देना है रूट बाई PG, जी हाँ पूरा कैपिटल में है मेरा, जितने भी पासवर्ड जो है सब कैपिटल में। तो यहाँ पर स्पेस देके आपको जो है रूट बाई PG आपको डाल देना है। तो यहाँ पर आर्चीव सक्सेसफुली डिकम्प्रेस दिखाएगा, तो यहाँ पर मेरे 3 हो चुके हैं, तो इसके अंदर के एसेट्स देख सकते हो। तो गाइज, यहाँ पर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा रूट ऑब्जेक्ट 1 को कैसे करना है एक्सट्रैक्शन। तो रूट ऑब्जेक्ट 1 को आपको जो है एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो है पासवर्ड अलग है, तो एक्सट्रैक्ट हियर का ऑप्शन दबाओगे तो आपको जो है पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर पासवर्ड में मैं लिखता हूँ रूट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर आप देखो मैं क्या डाल रहा हूँ यहाँ पर इसके लिए पासवर्ड। तो यहाँ पर ये सेम पासवर्ड डालना है आपको, रूट ऑब्जेक्ट, कोई स्पेस, लास्ट में कोई स्पेस नहीं आएगा गाइस। तो यहाँ पर मेरा आर्चीव डिकम्प्रेस हो चुका है, तो डिकम्प्रेस करने के बाद जो है गाइस यहाँ पर रूट ऑब्जेक्ट 2 को मेरे को करना है, जिसका साइज़ है 14 MB सिर्फ। तो गाइस, इसको मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। तो यहाँ पर जो है आपको ऑब्जेक्ट 2, बस इतना ही आपको जो है डालना है इसमें। तो गाइस,
स्पेस आएगा सिर्फ ऑब्जेक्ट और टू के बीच में, तो गाइज़ और कुछ नहीं डालेगा। तो यहाँ पर हो चुका है मेरा एक्सट्रैक्शन सभी चीज़ों का। तो गाइज़ इसको जो है हम अब मल्टी सिलेक्ट करेंगे। मल्टी सिलेक्ट करने के बाद जो है मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। तो यहाँ पर सिंपली मैं जो है इसको मल्टी सिलेक्ट कर लेता हूँ, सबको सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ, मतलब कि जिसको मैंने एक्सट्रैक्शन फाइल्स को, तो एक्सेप्ट उसके बाद जो है मैं कट कर लूँगा। जी हाँ दोस्तों, कट कर लेना है, कॉपी कर लेना है, कुछ भी करो आप। उसके बाद जो है फिर डिवाइस मेमोरी में जाना है, फिर एंड्रॉयड में चले जाइए सबसे पहले, फिर डाटा, फिर com.n3vgames, n3vgames में जाने के बाद फाइल्स यूज़र डेटा ओरिजिनल वाले फोल्डर में आप चले जाइए, फिर हैश 39 का एक फोल्डर बनाऊंगा मैं गाइज़। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि गाइज़ आप लोग का जो हैश चालू है उसके बाद जो है आप हर एक फोल्डर को, हर एक फाइल को आप हर एक फोल्डर बनाकर, हैश फोल्डर बनाकर उसको अंदर एक्सट्रैक्ट कर लीजिए गाइज़। तो आपको जो है कन्वीनियंट होगा अगर आप रूट को कभी डिलीट कर रहे हो तो। तो गाइज़ यहाँ पर मैं एक ही फोल्डर में आपको करके दिखाता हूँ, हैश 39 नाम का फोल्डर मैं आपको बनाऊंगा जैसे कि बताया मैंने। तो गाइज़ हैश 39 नाम का फोल्डर बनाने के बाद जो है मैं इसको ओके करके पेस्ट कर दूंगा सभी फोल्डर्स को। तो गाइज़ यहाँ पर मेरा जो है एक फोल्ड कॉपी पेस्ट हो चुका है। पेस्ट होने के बाद गाइज़ आपको हर एक फोल्डर को जो है अंदर जाकर जो है आपको मल्टी सिलेक्ट करके कट कर लेना है हर एक को, और यहाँ पर जो है आपको पेस्ट कर देना है। तो गाइज़ यहाँ पर जहाँ पे लोकोमोटिव्स एक्टिविटीज़ जो आपने हैश फोल्डर में जिसका जहाँ पर आपने कट किया है वहाँ पर जो है आपको कर लेना है कट हर एक फाइल्स में से जाकर। तो कट करोगे उसके बाद जो है आपको बैक जाना है, बैक जाके जो है आपको एसेट्स TDX को डिलीट कर लेना है। डिलीट करके जो है येस कर लेना है, येस करके जो है आपको एसेट्स TDX डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको गेम को रिसेंट ऐप से हटा देना है। जी हाँ दोस्तों, गेम को रिसेंट ऐप से नहीं हटाओगे तो आपका जो है रूट इंस्टॉल नहीं होगा। तो गाइज़ आप रिसेंट ऐप से हटा दीजिए और फिर गेम को ओपन कर लीजिए। तो गेम को ओपन करने के बाद जो है मेरा रूट वर्क करने लगेगा। तो आप जाकर एक्टिविटी को एंजॉय कीजिए गाइज़। आई होप आप लोगों को जो है एक्टिविटी बहुत पसंद आई होगी। तो गाइज़ कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, और आज का लाइक अगर आपने अभी तक देखा होगा तो आज के लाइक का एम टारगेट देता हूँ मैं आप लोगों को 100 लाइक। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम है, आप लोग कर लीजिए पूरा कंप्लीट 100 लाइक्स। तो गाइज़ थैंक यू वेरी मच एंड